हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑनवर्ड्स। अभी जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये ट्रिगो से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी सब क्वेश्चन है सब में अप्रॉक्स ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान से देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर ऐसा कुछ हो तो इसको छोटा कर सकते हैं फॉर्मूले से, साइन ए प्लस बी। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस बी। तो याद रखना है, साइन ए के साथ कॉस है और उसका एंगल अलग है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इस तरह से कुछ भी है तो इसको हम चेंज करेंगे। साइन लिखना है पहले, फिर ए पहला एंगल, फिर दूसरा एंगल, प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये साइन वाला फॉर्मूला। कॉस वाला फॉर्मूला क्या है जो हम देखते थे, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यानी दोनों कॉस एक साथ में होंगे, दोनों साइन एक साथ होंगे। अगर प्लस है तो इसका फॉर्मूला आता है कॉस कॉस ए, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, कॉस ए माइनस बी। तो ये दो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन में नहीं, जितने भी क्वेश्चन है 8th में वो सब के सब क्वेश्चन में ये यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं 8th का फर्स्ट, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस। कैसे करना होता है देखो, डिफ्रेंशिएट नहीं करना है सबसे पहले, क्वेश्चन बोला है डिफ्रेंशिएट। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप क्या करोगे, सबको सिंप्लीफाई करना है। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो ये सबसे पहले क्या करना है, जो अपॉन में रूट 41 है ना वो स्प्लिट कर देना, 4 अपॉन रूट 41 साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 कॉस एक्स। इस तरह से आप क्या करोगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देना। इसके बाद देखो बाहर साइन इनवर्स है ना, तो इसको चेंज करके हमको साइन लाना है। कैसे चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये जो आ गया इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा साइन ए प्लस बी में, तो यहाँ पर वही करना है। तो देखो ये साइन है, तो साइन के साथ क्या आना चाहिए, कॉस, और कॉस के साथ साइन, ये कॉस के साथ साइन। तो यहाँ पर हम लोग ना सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट साइन है, साइन के साथ जो वैल्यू है उसको कॉस अल्फा रखना, कॉस अल्फा इज 4 अपॉन रूट 41 ऐसे, एंड जो कॉस के साथ वैल्यू है उसको साइन रखना, साइन अल्फा इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 41। ये जो मैं बता रहा हूँ ये एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सब आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक आइडेंटिटी सीखी थी कि अगर साइन स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर करते हैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आना चाहिए। तो चेक कर लो 1 आ रहा है क्या, साइन स्क्वायर अल्फा यानी इसका स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 रूट 41 स्क्वायर 41 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 4 स्क्वायर 60 रूट 41 14 25 16 41 अपॉन 14, क्या कट होके 1 आ गया। सो बराबर है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 आना चाहिए, तो 1 आ रहा है तो परफेक्ट है, हमने जो अज्यूम किया है वो चलेगा। अब यहाँ से आप क्या करो, टैन अल्फा निकाल के रख लो हर बार की तरह। टैन अल्फा कैसे होता है, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, क्या आ जाएगा देखो, साइन अल्फा इज व्हाट 5 अपॉन रूट 41 एंड कॉस अल्फा क्या है देखो 4 अपॉन रूट 41, दोनों का रूट 41 कट, 5 अपॉन 4 आया। सो अल्फा विल बी व्हाट, टैन उस तरफ गया, टैन इनवर्स, ये टैन उस तरफ गया तो टैन इनवर्स 5 अपॉन 4। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसका डिनोमिनेटर स्प्लिट करना है, फिर साइन के साथ जो वैल्यू है उसको कॉस अज्यूम कर लेना है, कॉस के साथ जो वैल्यू है उसको साइन अज्यूम कर लेना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। देन ये दोनों का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये 1 आता है कि नहीं वो चेक कर लेना है। इसके बाद आप टैन निकाल के रखोगे हर बार की तरह, साइन अल्फा अपन कॉस अल्फा टैन अल्फा होता है, और फिर अल्फा की वैल्यू निकालो, ये लास्ट में हमको काम आएगा। तो अभी तक ये जो हम कर रहे थे ये हर बार आपको करना ही है, ठीक है, हर क्वेश्चन में ये करना है। अब आगे करते, इसके बाद मेन स्टेप, इसके बाद वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, अंदर हमें कैसे भी साइन लाना है। देखो 4 अपॉन रूट 41 इज व्हाट, 4 अपॉन रूट 41 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स प्लस 5 अपॉन रूट 41 इज साइन अल्फा इंटू कॉस एक्स। अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करना पड़ेगा, देखो साइन ए कॉस भी होना चाहिए, तो साइन कॉस है आगे पीछे, इसको जरा अरेंज कर देते,
साइन इनवर्स, अरेंज करो साइन एक्स कॉस अल्फा इंटू साइन एक्स, है ना, आगे पीछे कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा, इसको भी रीअरेंज करा आगे पीछे। सो साइन इनवर्स देखो, साइन ए कॉस बी, ये एक्स है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कैसे आएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, सो ये आ जाएगा साइन ए, ए मतलब एक्स प्लस बी यानी अल्फा, इस तरह से। सो साइन इनवर्स, अब देखो ये यहीं पर कर देते हैं, साइन इनवर्स बाहर है अंदर साइन है, कैंसल आउट हो गया, क्या बच गया एक्स प्लस अल्फा, दिस इज वॉट वाई, अभी वाई आया, अब हमको डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पर अल्फा क्या था, ये देखो यहाँ से यूज़ होगा टेन इनवर्स फाइव बाई फोर, वो रखते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, अल्फा वैल्यू इज़ वॉट टेन इनवर्स फाइव फाइव अपॉन फोर, ये है। अब आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कैसे आएगा, वाई डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन प्लस, अब ये देखो टेन इनवर्स का फॉर्मूला तो आपको याद है लेकिन मत यूज़ करो, क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है, देखो एक्स है क्या कहीं पर, नहीं, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आएगा जीरो। बहुत से बच्चे कैसे हैं, उनको फॉर्मूला याद होता है तो फटाफट इस्तेमाल कर दे, तो ऐसा नहीं करना, पहले चेक कर लो वेरिएबल है या कॉन्स्टेंट है। आगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस जीरो इज वन, एंड यू गॉट द आंसर। फिर से एक बार देखो कैसे करना है, सबसे पहले ये क्वेश्चन होगा, अच्छा ये सिर्फ एट्थ में एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है, ऐसे सात आठ क्वेश्चन है, सब ऐसे ही करना है। यहाँ पर जो है ये फार्मूला हम लोग को लाना है कैसे भी, अगर साइन है तो साइन वाला फार्मूला, साइन इनवर्स है तो ये फार्मूला, और यहाँ कॉस इनवर्स होगा तो ये फार्मूला लाना है, ये दिमाग में रखो, हाँ साइन इनवर्स के लिए और कॉस इनवर्स के लिए। सबसे पहले डिनोमीटर को स्प्लिट कर देते दोनों के पास इस तरह से, फिर यहाँ पर साइन इनवर्स है ना, तो ये कॉस इंटू साइन होगा, ओके साइन इनवर्स है, साइन लाना है तो क्या होगा, देखो साइन के साथ कॉस आना चाहिए, तो ये साइन है इसके साथ कॉस है, इसलिए इसको कॉस लिया, इसको साइन लिया, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करके देखो, फर्स्ट आइडेंटिटी फॉलो हो रहा है, वन आ रहा है कि नहीं, आएगा। फिर टैन निकालना है, साइन को कॉस से डिवाइड करो, टैन आया, उसमें से अल्फ़ा निकालो, ये तो हर बार अपने को एक्स्ट्रा पार्ट करना। अब ये क्वेश्चन मेन वापस आते हैं, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ कॉस रख दो, यहाँ साइन रख दो, रीअरेंज करो, फार्मूला बन गया, फार्मूले में साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हुआ, यह है अल्फ़ा की वैल्यू, यहाँ से उठाओ टैन इनवर्स फाइव बाई फोर रख दो यहाँ पर, ये पूरा कॉन्स्टेंट होगा हर बार, इसकी वैल्यू जीरो आनी होगी, इसकी वैल्यू वन आएगी, हो गया, बहुत ही आसान है, लेकिन यहाँ पर आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको ये समझ में आया है, और आगे के और एक दो क्वेश्चन बताता हूँ, तो आप ये पूरे जो एट्थ क्वेश्चन में जितने भी सब क्वेश्चन है सब खुद से ही कर रहे हो, ठीक है, आगे देखते हैं। एट्थ में सेकेंड वाला देखो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ये है, और ये सेम वैसे ही है जैसे फर्स्ट वाला था, बट वहाँ पर साइन इनवर्स था, यहाँ कॉस इनवर्स है, तो अब कॉस इनवर्स है तो क्या लाओगे, ये फार्मूला, पहले दोनों कॉस होगा फिर दोनों साइन, ओके तो कैसे लाएंगे, देखो तरीका वही है, क्या करोगे, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये जो टू है इसको स्प्लिट करना, रूट थ्री अपॉन टू कॉस एक्स माइनस, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है तो वन है, वन अपॉन टू साइन एक्स, ठीक है, बाहर कॉस इनवर्स है, अब कैसे लेट करना है, देखो क्या था कॉस के फॉर्मूले में, दोनों कॉस साथ में, दोनों साइन साथ में, तो ये कॉस के साथ जो है ये कॉस, लेट दिस इज कॉस, कॉस अल्फा इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, एंड जो साइन है उसके साथ में साइन, साइन अल्फा इज इक्वल टू वन बाई टू, चेक कर लो दोनों को स्क्वायर करके प्लस करके, आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर मतलब वन बाई टू स्क्वायर वन बाई फोर, रूट थ्री बाई टू स्क्वायर थ्री बाई फोर, फोर बाई फोर वन आ रहा है, मतलब परफेक्ट है, ओके अब टेन अल्फा निकालो, टेन अल्फा कैसे निकालोगे, साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा अपॉन कॉस, हाफ अपॉन रूट थ्री बाई टू, हाफ अपॉन रूट थ्री बाई टू, टू टू कैंसिल, वन बाई रूट थ्री, सो अल्फा कैसे आ गया, टेन उस तरफ गया, सो टेन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, सो इस तरह से अल्फा आ गया। अब ये तो पता है ना, हर बार करना इतना तो आपको एक्स्ट्रा करना ही है, अज्यूम करके अल्फा की वैल्यू निकाल के रखनी है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन वापस लेते वाई, नाउ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखो अब ये रूट थ्री बाई टू क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा देन कॉस एक्स माइनस, हाफ क्या था देखो, हाफ साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, ओके अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो,
वाई इज इक्वल टू कॉस यूनिवर्स कॉस अल्फा कॉस एक्स ओके माइनस साइन अल्फा साइन एक्स. तो कैसा आएगा देखो, कॉस कॉस साइन साइन है ना, यहाँ पर कॉस कॉस साइन साइन ओके. तो कॉस आ जाएगा इसके आंसर में, आ जाएगा कॉस सबसे पहले अल्फा, फिर देखो यहाँ माइनस है तो मैंने क्या सिखाया था प्लस होता है, अल्फा प्लस एक्स. कभी भी क्या करो इसको ना और अच्छे से करने के लिए, ये जो एक्स है उसको हमेशा पहले रखा करो ओके. तो इसको ज़रा रीअरेंज कर देते, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन एक्स इंटू, या तो ऐसे साइन अल्फा इंटू साइन एक्स, जो फॉर्मूला था उसके जैसा इसको सिर्फ रीअरेंज किया. तो अब फॉर्मूला यूज़ करो, कॉस इनवर्स कॉस 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 एक्स और माइनस इसलिए प्लस अल्फा, कॉस वाले में उल्टा आता है, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस. ये देखो ये प्लस था तो माइनस, अब कॉस इनवर्स और कॉस हो जाएगा कैंसिल आउट, सिर्फ आ गया एक्स प्लस अल्फा ओके. अब वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फा, अल्फा क्या लाए थे देखो, टैन इनवर्स वन बाई रूट थ्री, टैन इनवर्स वन बाई रूट थ्री. अब देखो ये टैन इनवर्स वन बाई रूट थ्री ना, इसमें एक्स है नहीं, तो हर बार की तरह वो कांस्टेंट ही आएगा, इसका टेंशन नहीं लेना, इसका डेरिवेटिव फार्मूला करना है कुछ नहीं, जीरो आ जाएगा हर बार की तरह. सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ गया ये डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव आ गया वन और इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई. तो इस तरह से करना बहुत ही आसान है. पहला मैंने आपको बताया था, दूसरा बताया, पहले में साइन इनवर्स था, दूसरे में कॉस इनवर्स है. यहाँ पर एंगल अगर एक्स के बदले दूसरा भी कुछ होगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है. कुछ भी नंबर हो, कुछ भी नंबर हो, चेंज कर सकते हैं. आगे भी कुछ क्वेश्चन है, आगे के जो क्वेश्चन है टोटल यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन से दो मैंने बताए, चलो और भी डिस्कस करते. क्वेश्चन नंबर एट में आगे के क्वेश्चन देखो, जो थर्ड क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है. कॉस रूट एक्स प्लस साइन रूट एक्स अपॉन रूट टू, तो क्या करोगे देखो, ये कॉस के साथ कुछ नहीं है तो वन, वन अपॉन रूट टू, और यहाँ पर वन अपॉन रूट टू, रूट टू स्प्लिट करना. फिर क्या करेंगे, ये कॉस रूट एक्स है तो वन अपॉन रूट टू को साइन लेना बिकॉज साइन है, और यहाँ पर वन अपॉन रूट टू को कॉस लेना, सब कुछ सेम आएगा. लास्ट में देखो ये रूट एक्स है ना सिर्फ अलग है, तो क्या होगा आपका जो वाई आता है ना, तो रूट एक्स प्लस अल्फा आएगा, और अल्फा टैन इनवर्स होगा, वो जीरो होने वाला है. तो इसका डेरिवेटिव लेते समय क्या आएगा, डेरिवेटिव ऑफ वाई इज रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स, और इसका डेरिवेटिव ज़ीरो. थोड़ा सा ही चेंज है सिर्फ लास्ट में होगा, बाकी सब स्टेप सेम है. यहाँ पर देखो फोर्थ में ये फाइव थ्री के नीचे लोगे, थ्री अपॉन फाइव और फोर अपॉन फाइव ओके. बाहर कॉस इनवर्स है तो कॉस कॉस इंटू कॉस, ये फॉर्मूला आएगा, कॉस के साथ थ्री बाई फाइव को कॉस लेना और फोर बाई फाइव को साइन लेना, सब कुछ सेम आएगा. लास्ट में ये जो है ना, यहाँ पर क्या आएगा पता है, ये थ्री एक्स है ना, तो थ्री एक्स प्लस अल्फा आ जाएगा और थ्री एक्स का डेरिवेटिव थ्री आ जाएगा, बस यही चेंज है. फिफ्थ वाला भी देखो कॉस इनवर्स है, इसके जैसे ये सब कुछ सेम आएगा. रूट थर्टीन को थ्री के नीचे लिखना, टू के नीचे रूट थर्टीन, फिर कॉस इनवर्स है तो ये फॉर्मूला कॉस के साथ कॉस आना चाहिए, तो कॉस ये थ्री अपॉन रूट थर्टीन को कॉस अज्यूम करना, टू अपॉन रूट थर्टीन को साइन अज्यूम करना, सब कुछ सेम आएगा. सिर्फ लास्ट में जो वाई आता है ना, वहाँ पर ई रेस टू एक्स प्लस अल्फा आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लोगे तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स और अल्फा का जीरो, सिर्फ लास्ट में चेंज होगा, बाकी सब सेम है. अच्छा ये जो क्वेश्चन है इसमें जो लास्ट में चेंज हो रहा है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सिक्स्थ वाला आपको डिटेल में बताता हूँ, ध्यान से देखो ठीक है कैसे लास्ट में चेंज होता है. यहाँ पर भी देखो एंगल टू रेस टू एक्स है, जैसे यहाँ एंगल ई रेस टू एक्स था ना वैसे, लेकिन ये तो कोसेक इनवर्स आ गया, मैंने तो आपको सिर्फ साइन और कॉस का फॉर्मूला दिया है ठीक है. तो ऐसे अगर कोसेक या सेक आ जाए तो उसको साइन या कॉस में बदलो. कैसे बदलेंगे देखो, वाई इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स को आप साइन इनवर्स भी कर सकते हो, बट इसको उल्टा करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल. कोसेक इनवर्स साइन इनवर्स हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे. सिक्स साइन टू रेस टू एक्स माइनस एट कॉस टू रेस टू एक्स, ये इस तरह से हो गया अपॉन टेन. देखो कोसेक को साइन किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया ठीक है, उल्टा हो गया. वाई इज इक्वल टू साइन है, अब बाहर साइन इनवर्स है अंदर साइन लाना है. कैसे लाओगे, ये टेन को स्प्लिट करो, सिक्स अपॉन टेन साइन टू रेस टू एक्स माइनस एट अपॉन टेन साइन टू रेस टू एक्स, इस तरह से ये हो गया. अब इसको कैंसिल भी कर सकते हो करना है तो, सो थ्री टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फाइव ज़ा टेन, टू फोर ज़ा एट, टू फाइव ज़ा टेन. तो क्वेश्चन और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, साइन इनवर्स ऐसे ब्रैकेट दे, थ्री अपॉन फाइव साइन टू रेस टू एक्स माइनस फोर अपॉन फाइव साइन टू रेस टू
यहाँ पर देखो कॉस है, हाँ कॉस है, दिस इज़ व्हाट कॉस 2^2x, ये दोनों जगह सेम नहीं आना चाहिए, ओके ये कॉस था। नेक्स्ट अब क्या होगा, देखो यहाँ पर 3/5, यहाँ पर 4/5, क्या करोगे, ये साइन इनवर्स है, कौन सा फॉर्मूला लेना, ये कि ये वाला साइन इनवर्स, तो साइन के साथ कॉस आना चाहिए और कॉस के साथ साइन, ओके तो ये साइन है, इसके साथ कॉस आना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे हमेशा की तरह, लेट साइन के साथ ये कॉस आना चाहिए, तो दिस इज़ वॉट कॉस अल्फ़ा 3/5, एंड ये कॉस के साथ साइन आना चाहिए, तो साइन अल्फ़ा 4/5, इस तरह से। तो कैसे हो गया, देखो वाई पूरा वो जैसे आप करते थे वैसे करना है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, अभी यहाँ से टैन अल्फ़ा तो निकाल लो, आइडेंटिटी वाला स्टेप कर लो, चलो टैन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस अल्फ़ा 4/5/3/5 कैंसिल 4/3, सो अल्फ़ा इज़ वॉट टैन उस तरफ गया, तो टैन इनवर्स 4/3, वो तो कॉन्स्टेंट ही है, इसका डेरीवेटिव जीरो ही आने वाला है। चलो यहाँ देखते हैं, नाउ वाई बिकम, वाई इज इक्वल टू वॉट साइन इनवर्स, साइन इनवर्स अंदर देखो ये क्या है, हमने लिया है कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा 3/5 इंटू साइन 2^2x माइनस 4/5 इज वॉट साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस 2^2x, ये तो अभी हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, अब रीअरेंज करो कैसे करना है, देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, फॉर्मूले में क्या है साइन है कॉस भी होता है, पहले साइन, तो साइन को पहले लो, साइन 2^2x इंटू कॉस अल्फ़ा इस तरह से, फिर माइनस कॉस है इंटू साइन, कॉस पहले लो, कॉस 2^2x इंटू साइन अल्फ़ा, इस तरह से करना है। अब फॉर्मूला क्रिएट करो, साइन इनवर्स देखो साइन कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, साइन कॉस माइनस कॉस इंटू साइन, तो साइन ए माइनस बी आएगा, यहाँ माइनस है ना, इसलिए साइन ए, ए इज वॉट 2^2x माइनस बी, देखो ये माइनस है ना, इसलिए ये रीअरेंज करना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो क्या होता, ये 2^2x माइनस में आता, आपका आंसर निगेटिव आ जाता, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप, और आ जाएगा 2^2x माइनस अल्फ़ा। अभी तक हमने डेरीवेटिव नहीं लिया, अभी तक हम सिंप्लीफाई करते हैं, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, देखो वाई का डेरीवेटिव डी वाई बाई डी एक्स 2^2x a^2x वाला फॉर्मूला 2^2x इंटू लॉग 2, और माइनस अल्फ़ा कॉन्स्टेंट जीरो हो गया उसका डेरीवेटिव, सो दिस वे डेरीवेटिव आ गया। देखो वैसे ही यहाँ पर e^2x था, तो ये लास्ट में e^2x आएगा प्लस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा, तो इसका e^2x आ जाएगा इसमें, तो बहुत ही ईजी है, ये तीनों आप खुद से करने वाले हैं, बिकॉज एकदम सेम है, कुछ अलग नहीं है, सारे प्रोसेस सेम है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, एक बार स्टेप याद आएगा तो यही स्टेप फॉलो करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर 6 सब क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशंस यूज़ करना है ट्रिग्नोमेट्री के। जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से, देखो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में यहाँ पर 1 - x² / 1 + x² है, तो यहाँ पर ये जो x है ना, उसकी जगह हमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूट करना होगा, साइन या तो कॉस टैन, ऐसा सब्स्टिट्यूट करना होगा कि ये कॉस इनवर्स से अंदर कॉस आ जाए और कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स वाला है, ये कॉस इनवर्स बाहर है तो अंदर कॉस लाना ही है, अंदर कॉस कैसे आएगा, अंदर तो कोई ट्रिगो है नहीं, तो ये एक्स को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर आप देखोगे आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 21 पर एक टेबल दिया हुआ है, दो टेबल दिए हुए हैं, उसमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपको दिया है, सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है। 2 × x / 1 + x² अगर दिया है तो x की जगह पर tan थीटा लेना, 1 - x² / 1 + x² दिया है तो x की जगह tan थीटा लेना, और वैसे ये सारे सब्स्टिट्यूशन जो आपको याद करने पड़ेंगे। ये किस बेसिस पर है, ये इस बेसिस पर है कि x की जगह पर अगर tan थीटा रखते हैं तो वो सॉल्व हो जाता है। कैसे, सपोज यहाँ पर x की जगह पर मैं tan थीटा लेता हूँ, तो ये होता है 2 × tan θ / 1 + x² यानी 1 + tan²θ, तो ये जो है ना, ये साइन 2θ का फॉर्मूला होता है, तो अगर आप x की जगह tan थीटा रखते हो तो ये ऐसे होगा, और वो चेंज होकर सिर्फ साइन 2θ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए x की जगह tan थीटा रखेंगे और ये साइन में कन्वर्ट हो गया। और अगर समझो ये ऐसा है, यहाँ पर x की जगह पर tan थीटा रखते हो तो 1 - tan²θ / 1 + tan²θ ये आया, तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है cos 2θ, अगर ये है इसको हटा के आप cos 2θ लिख सकते हो। वैसे ही देखो ये जो था ना 2 tan θ / 1 + tan²θ, 2 tan θ / 1 -
टेन स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में चेंज क्या है, यहाँ नीचे प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो नीचे प्लस है तो साइन टू थीटा होता है, यहाँ माइनस है तो टेन टू थीटा होता है। ये तीनों फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन के लिए। और ये जो बेसिक है ये आप याद रखो, जैसे जैसे यूज़ होगा मैं आपको समझाते भी जाऊँगा। आप सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको याद करना पड़ेगा आपको, पेज नंबर 21 पर एक बार अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन कराते समय मैं सब कुछ समझाते भी जाऊँगा आपको। चलो देखते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, बाहर कॉस इनवर्स है अंदर कॉस आना चाहिए। ये जो है इसका सब्स्टिट्यूशन देखोगे यहाँ पर क्या दिया है, x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो x की जगह टेन थीटा रखना पड़ेगा। लेकिन क्या x की जगह टेन थीटा रखने के बाद मुझे cos का फॉर्मूला मिलेगा? तो देखो ये tan रखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये cos का फॉर्मूला है ना, हो गया सॉल्व, बहुत आसान है। तो यहाँ पर आप करोगे लेट x इज इक्वल टू क्या करना था, tan थीटा। अब अगर आपको ये टेबल नहीं याद है तो भी आप लॉजिक से कर सकते हो कि मैं यहाँ पर x की जगह क्या रखूँ कि ये फॉर्मूला cos का बन जाए, ताकि ये कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए, तो भी चलेगा अगर आप ऐसे करते हो। एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखा तो यहाँ पर थीटा क्या जाएगा, थीटा टेन इस तरफ आए तो टेन इनवर्स एक्स, ये निकाल के रखो, लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा थीटा। अब देखो वाई, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स, एक्स इज टेन तो एक्स स्क्वायर है तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस तरह से वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स किसका फॉर्मूला है, देखो ये सेम कॉस टू थीटा का फॉर्मूला है, तो ये आया कॉस टू थीटा, हो गया ना सिंपल। अब क्या होगा, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट, सिर्फ टू थीटा बच गया। तो जैसे मैंने बताया ये थीटा यहाँ से निकाला था ना, वो रखो टू थीटा क्या था, टेन इनवर्स एक्स। ओके अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो याद किए थे ना पहले, क्या था, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, डी वाई बाई डी एक्स टू इंटू वन, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका जो आ गया है डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर वन नाइन्थ में, बहुत ही सिंपल हो गया, काफ़ी कम स्टेप में सॉल्व हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो क्वेश्चन था उसमें एक्स को इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया कि वो सिंप्लीफाइड होके रिड्यूस हो गया, और ये कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एंगल बच गया। और इसमें याद रखना थीटा हमेशा सब्स्टिट्यूट करना, जो थीटा है वो जो हमने लेट किया था वहाँ से सब्स्टिट्यूट करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद आप उसका डेरिवेटिव लोगे आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है नाइन्थ वाला, लेकिन आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो अगर नहीं आया तो आप नहीं कर पाओगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ में। आप सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू एक्स अपन वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नाइन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये बेसिक चीज़ें, ये तीनों फॉर्मूले याद हैं और ये जो सब्स्टिट्यूशन याद है, तो इतना इजी है कि कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है प्रॉपर सब्स्टिट्यूट कर दो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। जितने इन्वर्स फंक्शन होते हैं उसका बेसिक रूल यही है कि बाहर टैन इन्वर्स है तो आप कैसे भी करके अंदर टैन ला दो, टैन इन्वर्स और टैन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो एंगल है वो बच जाएगा, उसका डिफरेंशिएट करना है जो बड़ा आसान होता है। तो चलो ये भी देख लेते हैं, y इज इक्वल टू टैन इन्वर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर बाहर टैन इन्वर्स है तो अंदर सबसे पहले हमारा एम होगा टैन लाना, टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो, टू एक्स अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है, जैसे ये टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर था तो x tan थीटा ले लेते हैं, यहाँ माइनस होगा तो भी वही करना, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। कैसे करेंगे देखो, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, ये फॉर्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं, देन थीटा क्या हो जाएगा, हमेशा थीटा की वैल्यू निकाल के रखो, tan इनवर्स x, इस तरह से tan इनवर्स x आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर रख दो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, जहाँ भी x है x की जगह tan थीटा रख दो, टू tan थीटा अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर रख दोगे टेन स्क्वायर थीटा। अब वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये फॉर्मूला देखो, टू टेन थीटा अपन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा मैंने आपको दिया था, क्या है फॉर्मूला, टेन टू थीटा, तो ये हो गया टेन टू थीटा। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इसके आगे ना आप ये लिखना चाहिए आपको, सिंस दिस फॉर्मूला देयर फॉर वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस। नाउ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स और टेन कैंसिल आउट करेंगे, सिर्फ टू थीटा बच जाएगा, y इज इक्वल टू टू इंटू थीटा, थीटा क्या था, टैन इनवर्स एक्स। नाउ y इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स आ चुका है, ठीक है, टू इंटू टैन इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
वाई डेरिवेटिव इज डी वाई बाई डी एक्स एंड टू टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमेशा की तरह वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो फाइनली वी गेट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू वन टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो इस तरह से ये जो है सेकेंड क्वेश्चन है ये ऐसे आ गया. तो याद रखो जब भी आपको ये फॉर्मूला रहे टू टैन थीटा अपन वन प्लस टैन की स्क्वायर तो साइन टू थीटा और यहाँ माइनस हो सिर्फ प्लस की जगह माइनस तो ये टैन टू थीटा हो जाता है और अगर ऊपर वन माइनस टैन स्क्वायर अपन वन प्लस टैन स्क्वायर है तो कॉस टू थीटा. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं अभी जो नाइन्थ वाले क्वेश्चन है उसके अंदर. इसके साथ ये सब्सटीट्यूशन भी आप याद करके रखो. फिलहाल मैंने यहाँ लिख के रखा है कि आप डायरेक्ट यहाँ क्वेश्चन को मैच करके स्पॉट कर सकते हो लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करने के बाद इसको याद कर लेना. ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लो. अगला क्वेश्चन देखते हैं नाइन्थ में थर्ड वाला क्या दिया है. देखो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन लाना होगा. तो क्या साइन आ सकता है वो देखते हैं. सबसे पहले ये जो है फॉर्म देखो एंगल का या जो भी यहाँ पर साइन इनवर्स के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ टेबल में देखो ये रहा. ऐसा जब भी होता है तो हम क्या करते हैं एक्स की जगह पर हमें टैन थीटा सब्सटीट्यूट करना है. तो जैसे ही एक्स की जगह टैन रखोगे तो ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा वन माइनस टैन स्क्वायर अपन वन प्लस टैन स्क्वायर. बट वो तो कॉस टू थीटा हो जाएगा तो यहाँ पर अंदर तो कॉस आ जाएगा लेकिन बाहर तो साइन इनवर्स है अंदर साइन आना चाहिए था. तो कोई प्रॉब्लम नहीं अगर अंदर कॉस आता भी है तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा करके. ठीक है तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है. इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये जो है इसके अकॉर्डिंग आप एक्स टैन थीटा रखोगे टैन थीटा के बाद ये फॉर्मूला होकर कॉस टू थीटा आएगा. चलो देखते हैं. सो लेट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा सो थीटा विल बी टैन इनवर्स एक्स. कैसे किया एक्स टैन थीटा है तो थीटा क्या है टैन इधर आया तो टैन इनवर्स है. सो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस एक्स की जगह टैन रखा एक्स की जगह टैन थीटा टैन स्क्वायर हो गया बिकॉज एक्स स्क्वायर है वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा इस तरह से. सो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स और ये किसका फॉर्मूला है देखो यहाँ से वन माइनस टैन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टैन स्क्वायर ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला. दिस इज फॉर कॉस टू थीटा. बाहर साइन इनवर्स अंदर कॉस ये तो नहीं चलेगा अंदर भी साइन आना चाहिए. तो क्या करते हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं कॉस को साइन कर देते हैं और यहाँ पर करते हैं 90 माइनस जो टू थीटा है वो है ना साइन 90 माइनस 90 माइनस हटाओगे तो ये साइन का कॉस हो जाएगा. बेसिक ट्रिगो रूल. सो अब साइन इनवर्स और साइन कैंसिल आउट बच गया क्या पाई बाई टू माइनस टू थीटा इस तरह से. तो अब थीटा की वैल्यू भी रख दो पाई बाई टू माइनस टू इंटू थीटा क्या था देखो थीटा इज टेन इनवर्स एक्स कोई प्रॉब्लम नहीं. अब डिफरेंशिएट करो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स. वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ कर दें वाई डेरिवेटिव इज व्हाट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है नंबर है इसमें एक्स नहीं है. देखो जिसमें एक्स नहीं है वो कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया. देन माइनस टू टेन इनवर्स सो टू इंटू टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या था वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. सो टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया हमने. तो ये आ गया आपका डायरेक्ट यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ गया इसका. तो बहुत ही आसान है. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अभी तक आपने देख लिया है कि किस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसका तरीका क्या होता है. अब मैं थोड़ा स्पीड में आपको बताने वाला हूँ क्योंकि हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है तरीका एक ही है लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है. एक बार वो सब्स्टिट्यूट करके फॉर्मूला आ गया तो इनवर्स और वो कैंसिल आउट हो जाता है. बहुत ईजी है देखते हैं फटाफट बताऊँगा. देखना यहाँ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स है फोर्थ वाले क्वेश्चन में टू एक्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है. अब अंदर ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करना x की जगह कि अंदर साइन आ जाए बिकॉज बाहर साइन इनवर्स है. तो अंदर साइन कैसे आएगा देखो यहाँ रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर देखोगे सो रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर है. जब भी रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो तो आप x की जगह साइन थीटा या तो कॉस थीटा रखोगे. अब मैं साइन रखूँ या कॉस रखूँ कोई भी रखो चलेगा यहाँ पर. तो चलो देखते हैं लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा रखते हैं. तो उसका फ़ायदा क्या होगा अभी देखो अपने आप यहाँ पर देख लेते ओरली टू एक्स की जगह रखा साइन थीटा टू साइन थीटा रूट वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर. कॉस स्क्वायर का रूट कॉस तो ये होता टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा. सो देखो साइन टू थीटा का फॉर्मूला है ना साइन टू थीटा इसका और एक फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा. तो यहाँ टू साइन थीटा कॉस थीटा आने के बाद साइन टू थीटा यहाँ कर दोगे बाहर का साइन इनवर्स और अंदर साइन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा. कैसे देखो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इस तरफ आया तो साइन इनवर्स एक्स. सो वाई बिकम्स साइन इनवर्स यहाँ रखते टू एक्स की जगह साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा.
वाई इज इक्वल टू, फटफट देख लो, सिर्फ सॉल्यूशन आपको देखना चाहिए, रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, बहुत ही आसान, टू साइन थीटा कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या फॉर्मूला था टू साइन थीटा कॉस थीटा का, साइन टू थीटा, साइन इनवर्स और साइन कैंसल आउट होके टू थीटा आया। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा क्या था देखो साइन इनवर्स एक्स। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई इज इक्वल टू टू, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था याद है ना, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये था। फाइनली इसको अगर अच्छे से लिखते हैं तो क्या आता है, वाई इज इक्वल टू टू इंटू वन, टू अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। सो ये आ गया आपका डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिए तो ऑटोमेटिक, जो फॉर्मूला सिर्फ ध्यान रखना है। ओके स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट देखते हैं। नाइन्थ में फिफ्थ वाला जो है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, अब कोई अपॉन नहीं है कुछ नहीं है, सिर्फ इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो और हमारी इस टेबल में चेक करो क्या था, देखो थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, यहाँ देखोगे थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, ऐसा जब भी हो तो हमें क्या लेना है, x इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू साइन थीटा करेंगे, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ये ऑलरेडी ये रूल है, ये आपके कन्वीनियंस के लिए है कि अगर आप ये याद रखते हो तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं यहाँ क्या लूँ तो क्या फॉर्मूला आएगा, तो अगर ये आपको याद है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो। अब होगा क्या देखो, x इज इक्वल टू साइन थीटा लोगे ना तो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, तो ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, मैंने बताया था ये 34 रूल होता है, और ऐसे ही 43 रूल क्या था, कॉस फोर थ्री थीटा, वो क्या होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, इस तरह से 34 रूल साइन थ्री थीटा में लगता है और 43 कॉस थ्री थीटा में लगता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा क्या आ गया, साइन इस तरफ आया तो साइन इनवर्स x, तो चलो अब ये करते y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थ्री, एक्स की जगह हम रख रहे हैं साइन थीटा माइनस फोर एक्स क्यूब, एक्स की जगह रखा साइन और उसका क्यूब थीटा, सो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब, देखो थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब तो क्या आ गया साइन थ्री थीटा, साइन थ्री थीटा आ गया, कहाँ से आया ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिखाना चाहिए, ठीक है साइन थ्री थीटा, बट बाहर तो कॉस इनवर्स है अंदर साइन है, तो वही वाला लॉजिक, बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस लाना पड़ेगा, तो साइन जो है उसको कॉस करो और पाई बाई टू माइनस थ्री थीटा कर दो इस तरह से, सो कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट, क्या बच गया फाइव बाई टू माइनस थ्री थीटा। नाउ अभी सब्सटीट्यूट करो थीटा को भी, वाई इज इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस थ्री थीटा, थीटा क्या था देखो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा देखो, वाई का होता है डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाई टू जो है वो जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस थ्री और साइन इनवर्स हो जाएगा वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से फाइनली यू गेट आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो माइनस है ना, जीरो हट जाएगा माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका जो फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में फिफ्थ, इस तरह से करना है। देखो सबके सब इसके ऊपर डिपेंड है सब्स्टिट्यूशन, अब एक बार उसको याद कर लेना ठीक है, और जो भी फॉर्मूले यूज हो रहे मैं यहाँ देते जा रहा हूँ इसको भी आप याद करते जाओ। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन देखो, नाइन्थ में y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ये प्लस में, तो ऐसा आप कोई सब्सटीट्यूशन है नहीं, तो नहीं है तो क्या करना, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं इस फॉर्म में लाने वाला हूँ, देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट उस फॉर्म में कैसे आएगा, यहाँ वन आना चाहिए ओके, तो कैसे आएगा ये ई रेस टू एक्स है, इसको मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स करता हूँ, ध्यान से देखना, सो ये वाई है ऐसे ही रखो, अभी तक मैं डेरिवेटिव नहीं ले रहा हूँ, अभी जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव लास्ट स्टेप में हो रहा है, उसके पहले आप सब्स्टिट्यूशन करके क्वेश्चन को रिड्यूस कर रहे हो ठीक है। यहाँ कॉस इनवर्स है तो कैसे भी यहाँ कॉस लाना है, सो कॉस इनवर्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ई रेस टू एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, ध्यान से देखना ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स डिवाइड कर रहा हूँ ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन ई रेस टू एक्स, ऐसे हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये हो गया वन माइनस, देखो ये ई रेस टू माइनस एक्स है और ये ई रेस टू एक्स, दोनों भी ई है, इसका पावर माइनस एक्स है, ये एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा एंड इट विल बिकम ई रेस टू माइनस टू एक्स, ई रेस टू माइनस टू एक्स, दिस इज वन प्लस, ये भी सेम इसके जैसे ई रेस टू माइनस टू एक्स हो गया। ओके सो ये हो गया इस तरह से। अब देखो ये फॉर्मूला में बोला ना वन माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, सो इसको और मॉडिफाई कर दे, कॉस इनवर्स वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर, और ये वन प्लस ई रेस टू माइनस एक्स द होल स्क्वायर, जो टू था ना उसको स्क्वायर में ले लिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, ई रेस टू माइनस एक्स को लेट करो, लेट ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेन थीटा लेना है, टेन थीटा, ठीक है, ध्यान से देखो, ई रेस टू माइनस एक्स जो था मैंने उसको टेन थीटा ले लिया, सो थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, थीटा इज इक्विवेलेंट टू टेन, इस तरफ आया तो टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, इस तरह से आ गया। अब वैल्यू रखो, चलो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन माइनस ई रेस टू माइनस एक्स टेन थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन वन प्लस ये टेन और उसका स्क्वायर, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, सो रिड्यूस हो गया, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, इसका क्या फॉर्मूला था, देखो ये वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर कॉस टू थीटा, सो दिस इज कॉस टू थीटा, सो वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल आउट होकर सिर्फ टू थीटा आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखते क्या आएगा, देखो वाई इज इक्वल टू टू टाइम्स थीटा, बट वॉट वॉज थीटा, टेन इनवर्स ई रेस टू माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टैन इनवर्स, टैन इनवर्स का फॉर्मूला क्या था याद है ना, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब ये, सो इसका स्क्वायर मतलब ई रेस टू माइनस टू एक्स, बट एक्स के बदले तो ये था, तो इसका अगेन डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई, ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, बट एक्स के बदले माइनस एक्स है, इसका वापस डेरिवेटिव निकालोगे, माइनस एक्स का वापस डेरिवेटिव माइनस वन, तो ये हुआ। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, देखो यहाँ पर टू इंटू वन इंटू माइनस वन, तो माइनस टू और ये ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन वन प्लस ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। अब ये डेरिवेटिव का आंसर आ चुका है, लेकिन इसको और भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो माइनस है पावर, वो माइनस को हटाना है अगर, तो ये जो ई रेस टू माइनस टू एक्स है इसी से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ, ध्यान से देखना, ई रेस टू माइनस टू एक्स से डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर माइनस टू है उसको रख दो माइनस टू, ई रेस टू माइनस एक्स है, ई रेस टू माइनस एक्स को मैं ई रेस टू माइनस टू एक्स से डिवाइड करता हूँ, कैसे पता चला इससे करना है, तो यहाँ जो है ना वन अपॉन ई रेस टू माइनस टू एक्स, ये जो ई रेस टू माइनस टू एक्स था इसी से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, ई रेस टू ये पूरे को किया बाद में स्प्लिट कर दिया, तो ये क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन टू, ये देखो ये माइनस टू एक्स ऊपर जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स प्लस टू एक्स हो गया, और अपॉन ये क्या हो गया, ई रेस टू माइनस टू एक्स वन अपॉन हटाएंगे तो ई रेस टू प्लस टू एक्स प्लस, ये दोनों कैंसिल होकर वन आ गए, फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इन टू ई रेस टू, देखो टू एक्स माइनस एक्स तो वन एक्स आ गया और ये वन प्लस आगे लिख दो वन प्लस ई रेस टू टू एक्स, तो ये सेम आंसर आया, दोनों भी सेम आंसर है, बट यहाँ ई का पावर निगेटिव था तो उसको मैंने पॉजिटिव कर दिया इस तरह से, तो ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। अगर आप यहाँ तक रखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन ये माइनस है इसलिए उसको चेंज करना चाहिए, तो आपका क्या किया, मैंने यहाँ पर ई रेस टू माइनस टू एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो अपने आप ये आंसर आ गया, तो ये है फाइनल आंसर, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आप यहाँ, नाइन्थ में सेवन्थ क्वेश्चन देखो, इसका हिंट देता हूँ, ये आप खुद से करने वाले हैं, हिंट देख लो क्या है, बिल्कुल ये सिक्स्थ के जैसा ही है, यहाँ पर आप क्या करना है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, वन माइनस जो नाइन है ना उसको थ्री एक्स का स्क्वायर कर दो, क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन होगा, नाइन रेस टू एक्स, और वैसे ही वन प्लस नाइन को रखना थ्री एक्स का स्क्वायर, जिससे क्या हो गया, देखो ये फॉर्मूला आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये जो थ्री रेस टू एक्स है उसको क्या कंसिडर करोगे, टैन थीटा, फिर आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, और अंदर कॉस टू थीटा आ गया, थीटा के बदले थ्री रेस टू एक्स आएगा,
तो बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा के कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल होगा और इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। ओके तो ये आप खुद से करो। नेक्स्ट बता दो, नाइन्थ में एट्थ वाला देखो, थोड़ा सा अलग लग रहा है, कॉम्प्लिकेशंस भी है, तो डरो मत, बहुत ही आसान है। सिर्फ देखो मैं किस तरह से मॉडिफाई करता हूँ इसको। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या करते हैं देखो, ये 4:x + 1/2 है, इसको ऐसे करते 4:x इंटू 4:1/2 इस तरह से। कैसे कर सकते हैं देखो, होता है ना a^m + n, तो इसको a^m इंटू a^n, दोनों भी a है, पावर प्लस हो जाता है अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो, है ना। तो ऐसा है तो ऐसे कर दिया हमने अपॉन, ये देखो यहाँ 4:2 आ रहा है ना x, तो इसको भी करो 1+, ये जो 2:4 है तो 2² का पावर 2x, ऐसे कर दो। ओके अब क्या होगा देखो आगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4 का ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, देखो ये इसको 4 का क्या है स्क्वायर रूट, और इंटू 4:x अपॉन 1+2 का स्क्वायर 4:x, और ये जो है ना इसको स्क्वायर में भेज दो। मॉडिफाई कर रहा हूँ देखो, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, ये क्या हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू 4:x अपॉन 1+4:x द होल स्क्वायर। अब आपको ये सूटेबल फॉर्म आ गया, देखोगे ये फॉर्म आ गया, देखो 2x अपॉन 1+x² बट x के बदले 4:2x है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ x को हम tan थीटा लेते थे, यहाँ पर लेट करना 4:2x को आप tan थीटा अज्यूम कर लेना, तो क्या होगा ये जो थीटा है वो क्या आ जाएगा, tan इस तरफ आए तो यहाँ पर नीचे लिखते थीटा इज इक्वल टू tan इस तरफ आए तो tan इनवर्स 4:2x आ गया, ठीक है ये इस तरह से। तो चलो अभी y को मॉडिफाई करते हैं, साइन इनवर्स 2 4:x को हमने ले लिया है tan थीटा अपॉन 1+4:x है tan थीटा उसका स्क्वायर इस तरह से। तो ये अब फॉर्मूला हो गया 4:x का स्क्वायर, तो हम यहाँ कर देते हैं स्क्वायर tan में कैसे देंगे, यहाँ देते हैं देखो tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला देखो 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² क्या होता है देखो sin 2 थीटा, तो ये आ गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अंदर आ गया sin 2 थीटा, इसका ये फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन, दोनों कैंसिल आउट, ओनली 2 थीटा आया, y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह वैल्यू रख दो, क्या था थीटा की जगह, यहाँ पर tan इनवर्स 4:2x। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा देखो, y का डेरिवेटिव dy/dx 2, tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1+x² बट x के बदले तो 4:2x है तो 4:2x², फिर ये 4:2x का डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करने, तो 4:2x का डेरिवेटिव 4:2x log 4, ठीक है तो ये होता है। अब देखो इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, dy/dx मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 1 2 और ये हो गया 2 × 4:2x log 4। ओके ये 2 और 4 का मल्टीप्लाई मत करना 2 × 4 क्योंकि ये 4 का जो पावर है देखो 4:2x ये पावर है, ठीक है, और अपॉन में क्या है 1+4 ये x और ये स्क्वायर दोनों पावर में है तो दोनों मिलके क्या होगा 4 का पावर मल्टीप्लाई कर दो 2x ये आ गया। अब इसको आप फाइनल आंसर इस तरह से रख सकते हो, या तो जैसे ये था ये x है, या तो क्या कर सकते हो देखो 4:2x × 2, ध्यान से देखना 2 × 4:2x क्या था स्टार्टिंग में 4:x + 1/2, वो भी कर सकते हो, इन दोनों को मिला के ये भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, या ऐसे रखे तो भी ये चलेगा। ये हमारा फाइनल आंसर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट लो। 9th का 8th हो गया, बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 9th में 9th वाला देखो, ये बहुत ही ईजी है, ये आप खुद से करोगे, मैं सिर्फ आपको हिंट देता हूँ कैसे करोगे। देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अब क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना, 1 - 25 जो होता है ना वो 5 का स्क्वायर होता है और ये x स्क्वायर है, तो इसको आप 5x² कर दो, 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर, सिमिलरली इन डिनोमिनेटर 5x² सो 5² 25 x², अब क्या फ़ायदा है देखो 1 - x² दिख रहा है ये 1 - x² अपॉन 1+x² तो x के बदले 5x है, कोई बात नहीं। अब क्या करो, जैसे x को tan थीटा लेते थे ना, यहाँ पर 5x को tan थीटा कर देना, तो ये हो जाएगा 1 - tan² कहाँ पर है देखो, ये रहा 1 - tan² अपॉन 1+tan² ये रहा देखो 1+tan², तो ये क्या हो गया cos 2 थीटा, तो इसका आंसर आएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा, यानी क्या था देखो 2 थीटा, अब थीटा जो भी आपने लिया था ठीक है, फिर थीटा यहाँ से लेंगे ना tan थीटा इज इक्वल टू 5x था, तो थीटा क्या था tan इनवर्स 5x,
तो अब ये साइन इनवर्स और ये कॉस है, तो क्या करोगे, साइन इनवर्स कॉस को साइन 90 माइनस टू थीटा करना, फिर ये कट गया, पाई बाई टू माइनस टू थीटा आया, पाई बाई टू माइनस टू थीटा क्या था, टैन इनवर्स और 5x था, ठीक है। अब आगे कर लो, ये वाई आया, इसका डेरिवेटिव ले लो, पाई बाई टू का डेरिवेटिव जीरो इंटू माइनस टू, और टैन इनवर्स है तो वन अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले 5x है तो 5x स्क्वायर इंटू 5x का डेरिवेटिव, ये आप खुद से करो, थोड़ा मैंने छोड़ दिया है यहाँ पर डायरेक्ट, ये आप खुद से करो। चलो देखते हैं नाइन्थ का टेंथ वाला, नाइन्थ में टेंथ क्वेश्चन देखो क्या दिया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स क्यूब अपन 1 प्लस एक्स क्यूब। यहाँ एक्स क्यूब है और अभी तक हमने क्यूब के लिए कुछ नहीं देखा था कि x की जगह में क्या रखो कि उसका क्यूब जो है साइन में आ जाए या कुछ भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो ये 1 माइनस और 1 प्लस, ये वाला फॉर्मूला है 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, टेन स्क्वायर होगा, 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हमें फॉर्मूला मिलता है ना, तो यहाँ एक्स क्यूब की जगह अगर टेन स्क्वायर रख दे डायरेक्ट तो भी चलेगा, ये देखो लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब थीटा कैसे निकालोगे, देखो थीटा निकालने के लिए ये स्क्वायर इधर आया तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू क्यूब रूट हो जाएगा, थ्री अपॉन टू है ना क्यू, सॉरी स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर रूट, यानी इस तरह से लिखता हूँ, चलो मैं एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब है ना, ये स्क्वायर इधर आया तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू टैन थीटा, दैट इज टैन थीटा क्या आ गया, ये जो एक्स है एक्स का पावर थ्री और ये वन बाई टू होता है तो थ्री बाई टू, इस तरह से। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्यूब की जगह आप डायरेक्ट टेन स्क्वायर रख दो, टेन स्क्वायर थीटा एंड वापस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जरा फटाफट मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, साइन इनवर्स ये किसका फॉर्मूला था, कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा, फिर क्या करोगे, बाहर साइन इनवर्स है अंदर कॉस लाने के लिए, साइन लाने के लिए क्या करोगे, साइन 90 माइनस टू थीटा, ये कैंसल आउट हो गया, वाई आ गया पाई बाई टू माइनस टू, देखो साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, पाई बाई टू माइनस टू थीटा, थीटा की जगह डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर, ये टैन उस तरफ गया तो टैन इनवर्स एक्स रेस टू थ्री बाई टू, तो डिफरेंशिएट करते, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू डेरिवेटिव इज जीरो माइनस टू, टैन इनवर्स है तो क्या होता है उसका, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स के बदले तो क्या है एक्स रेस टू थ्री बाई टू उसका स्क्वायर, लेकिन इसका वापस डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, एक्स रेस टू थ्री बाई टू का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेस टू थ्री बाई टू, थ्री बाई टू आ गया आगे और थ्री बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू माइनस वन वन बाई टू होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये टू और टू कैंसिल, इसको यहाँ करते डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इंटू थ्री, तो माइनस थ्री, और ये एक्स रेस टू हाफ मतलब रूट एक्स अपॉन वन प्लस, ये देखो ये जो पावर में टू और टू कैंसिल एक्स क्यूब वन प्लस एक्स क्यूब, सो ये फाइनली हमको इसका डेरिवेटिव का आंसर मिल गया। देखो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड था, एक्स क्यूब था, कुछ नया था, तो हमने सीधे एक्स क्यूब को ही टेन स्क्वायर रख दिया, बिकॉज टेन स्क्वायर रखने से हमको ये फॉर्मूला मिल रहा था, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, टेंथ वाला भी स्क्रीनशॉट ले लो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन्थ में इलेवेंथ भी देख लो, बिल्कुल आसान है, जैसे अभी हमने किया था एट्थ इलेवेंथ देख रहे हैं हम लोग, टेंथ वाला नाइन्थ वाला बिल्कुल वैसे ही इलेवेंथ वाला भी है, तो कैसे करना है, देखो y इज इक्वल टू, सबसे पहले लेट कर दे, देखो यहाँ पर ये जो इसका फॉर्मेट देखो टू समथिंग अपॉन वन माइनस ये है, तो देखो इससे मिलता जुलता है ना, टू वन माइनस है, तो यहाँ पर टू के साथ टेन थीटा होता तो ये टेन टू थीटा हो जाता है, यहाँ टेन इनवर्स भी है बाहर, अंदर टेन लाना है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखो ये तीनों ना बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, तीनों को एकदम याद रखो। तो यहाँ पर मैं 2 के साथ जो भी है उसको tan थीटा ले लेता हूँ, यहाँ पर क्या करो लेट x रेस टू 5 बाई टू है ना उसको ही tan थीटा ले लेना, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इस तरफ गया तो tan इनवर्स x रेस टू 5 बाई टू। देखो एक दो स्टेप करके दिखाता हूँ मैं आपको, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 इंटू ये जो x रेस टू 5 बाई टू है वो खुद tan थीटा है अपने आप में 1 माइनस x रेस टू 5। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ एक्स रेस टू फाइव को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेस टू फाइव बाई टू का स्क्वायर, तो ये टू और टू कैंसिल होकर एक्स रेस टू फाइव आ जाएगा, ये वाला एक्स रेस टू फाइव, तो एक्स रेस टू फाइव को हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेस टू फाइव को एक्स रेस टू फाइव बाई टू द स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज एक्स रेस टू फाइव बाई टू को हमने लिया टेन थीटा,
तो ये क्या हो जाएगा, ये टैन थीटा और उसका स्क्वायर, तो एक्स रेस टू फाइव क्या हो गया, टैन थीटा का स्क्वायर यानी टैन स्क्वायर थीटा आ गया ना, ये फॉर्मूला टू टैन थीटा आ गया, वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा टैन टू थीटा, टैन इनवर्स टैन टू थीटा, फिर ये कैंसल आउट, टू थीटा बचेगा, थीटा की जगह पर ये रख दो, उसका डेरिवेटिव ले लो, बहुत ही आसान है, करो इसको खुद से। नेक्स्ट देखते हैं ट्वेल्थ वाला, लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ में, स्क्रीनशॉट भी ले लो, लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ का ट्वेल्थ, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस, ठीक है ध्यान से देखना। अब अभी तक हम लोग जो देख रहे थे साइन कॉस टैन के लिए देख रहे थे, यहाँ पर अगर कभी आपको सेक कोसेक या कॉट मिलता है तो उसको चेंज कर दो, कैसे करोगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स को ना आप टैन इनवर्स कर सकते हो, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है, फॉर्मूला याद किया था ना आपने उसके हिसाब से, कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स किया तो जो डिनोमिनेटर है न्यूमिनेटर में चला गया वन प्लस रूट एक्स, और ये आ गया यहाँ पर वन माइनस रूट एक्स, तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है टैन इनवर्स एक्स को देख के, बिकॉज टैन के लिए हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, लेकिन अब देखो कि वन प्लस रूट एक्स देख रहे हो यहाँ पर, ये अगर इसको भी देखते हैं वन माइनस, देखो वन माइनस और वन प्लस ये है रूट एक्स रूट एक्स, ठीक है, लेकिन ये कॉस आएगा, हमको तो क्या चाहिए कॉट या तो टैन चाहिए, यहाँ पर हमें कुछ अलग फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, कैसे देखो, यहाँ पर जो वन है ना वन, इसको मैं वन की जगह पर टैन 45 रखता हूँ इस तरह से, टैन इनवर्स जो वन है उसकी जगह पर रखता हूँ टैन पाई बाई फोर, 45 मतलब पाई बाई फोर, और जो रूट एक्स है ना उसकी जगह पर रखता हूँ मैं टैन थीटा, यहाँ पर आप लेट कर लोगे, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टैन थीटा, ऐसे लेट कर लिया हमने, डायरेक्ट बता रहा हूँ आप ध्यान से देखो, और ये वन की जगह वन रखो माइनस, ये रूट एक्स है इसकी जगह पर हमने टैन थीटा ले लिया है, और अज्यूम करो कि ये रूट एक्स में वन का मल्टीप्लाई, तो ये जो वन है वन की जगह पर हम क्या ले सकते हैं टैन 45, क्यों ऐसा, टैन पाई बाई फोर, बिकॉज टैन पाई बाई फोर यानी 45 वन होता है, तो वन की जगह ये लिख सकते हैं, मुझे फार्मूला क्रिएट करना था टैन का, देखो ये एक फार्मूला हो गया, कौन सा फार्मूला होगा, अगर आपको याद आ रहा है टैन ए प्लस टैन बी, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये फार्मूला दिया था टैन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए इंटू टैन बी, किसका फॉर्मूला होता है वो टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर ये है वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स, ये जो अंदर है ये फॉर्मूला हो गया टैन ए प्लस बी, फर्स्ट एंगल क्या है पाई बाई फोर प्लस सेकेंड एंगल थीटा, इसमें क्या होता है यहाँ प्लस है इसलिए प्लस आया, ऊपर प्लस होगा तो नीचे माइनस आता है, ओके, अब टैन इनवर्स टैन कैंसल आउट हो गए, पाई बाई फोर प्लस थीटा, इन द नेक्स्ट स्टेप पाई बाई फोर थीटा, थीटा क्या था देखो यहाँ पर रूट एक्स टैन थीटा था, सो थीटा इज टैन इधर आया तो टैन इनवर्स रूट एक्स, ये थीटा है, यहाँ पर अच्छे से लिखना है, अब थीटा की जगह मैं लिखता हूँ टैन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है ये दिख रहा है ना आपको, आगे देखो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई का डेरीवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है जीरो हो गया, टैन इनवर्स रूट एक्स, टैन इनवर्स का डेरीवेटिव था वन प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स तो रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर, देन इंटू करोगे एक्स के बदले क्या है रूट एक्स, उसका वापस डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन टू रूट एक्स डायरेक्ट, अभी तो इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट आ ही रहा होगा, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया फाइनली, जीरो प्लस हटा दो वन अपॉन वन प्लस, देखो ये वन अपॉन ये हो गया वन प्लस रूट एक्स स्क्वायर एक्स हो गया, और ये टू रूट एक्स, इसको आगे लिख दो टू रूट एक्स, ठीक है इस तरह से ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया है, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, 9th के अंदर 12 क्वेश्चन थे, सब अपने आप में अलग थे, सब सब्स्टिट्यूशन के बेस्ड पर थे, वो मैंने आपको कराया, इसको कॉपी कर लो। फाइनली आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये वापस से डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसके अंदर भी बहुत सारे सब क्वेश्चन है लेकिन सबका पैटर्न एक ही है, क्या पैटर्न है देखेंगे, आपके पास जो क्वेश्चन है अगर इस फॉर्मेट में है टैन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए इंटू बी, यानी दो टर्म्स हैं दोनों का सम ऊपर न्यूमरेटर में है और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ दिया हुआ है मल्टीप्लाई ए इंटू बी नीचे डिनोमेटर में वन माइनस करके, तो फॉर्मूला क्या लगता है, ये टैन इनवर्स फर्स्ट टर्म यानी ए प्लस टैन इनवर्स बी, अगर समझो यहाँ माइनस और नीचे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो यही एक डिफरेंस है, ये फॉर्मूला अगर आप अच्छे से याद करते हो तो क्वेश्चन नंबर 10 के सारे सब क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, और याद रखो कभी भी किसी भी टाइप का जब
पहला क्वेश्चन करते हो बहुत अच्छे से सीखना चाहिए, वो अगर आ गया तो उस टाइप के सारे क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर। तो इसमें क्या करना चाहिए हमको कि यहाँ जो न्यूमरेटर है देखो 8x और नीचे 1 माइनस 15x स्क्वायर, बाहर टेन इनवर्स है, आप समझ जाओगे इस टाइप का क्वेश्चन है। जो न्यूमरेटर 8x है वो किसी दो नंबर का सम होगा, प्लस करने पे आएगा, और जो डिनोमेटर में ये जो 15x स्क्वायर है 1 माइनस के बाद, ये उन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होगा यानी प्रोडक्ट। जैसे a और b को प्लस करके यहाँ न्यूमरेटर आया तो a इंटू बी ये होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर आपको ढूंढना है जिनको प्लस करने पर 8x आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो चलो 15 के दो प्रोडक्ट ढूंढना है हमें, तो क्या आ सकता है, देखो 5 3 15 एंड 5 3 8 है ना। तो हमें प्रोडक्ट मिल चुका है, क्या है देखो दो नंबर्स मिल चुके हैं 8x 5x + 3x एंड 1 माइनस, यही दो नंबर जो थे ना उनका मल्टीप्लाई 5x × 3x इस तरीके से। ओके, तो इस तरह से आपको दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका जो सम है वो न्यूमरेटर आए और प्रोडक्ट है वो डिनोमेटर में 1 माइनस के बाद जो है वो आए। अब क्या करना है, देखो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो आप यहाँ पर सिंस करके ये फॉर्मूला लिखो एंड देन फार्मूला अप्लाई करो। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया है ट्रिगो के इस इनवर्स वाले क्वेश्चन में, जब तक वो सिंप्लीफाई नहीं होगा आप डिफरेंशिएट नहीं करोगे। ठीक है, ये पहले टैन इनवर्स हम हटाएंगे, या तो इसके लिए फार्मूला देखो, इसका फार्मूला क्या था, इसका टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस टैन इनवर्स ऑफ बी। तो टैन इनवर्स ऑफ 5x प्लस टैन इनवर्स ऑफ 3x। इसके पहले 9th तक जो क्वेश्चन थे उसमें हम क्या करते थे, बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर टैन लेके आते थे, टैन इनवर्स और टैन कैंसिल आउट हो जाता था, यहाँ सब्सटीट्यूशन करते थे। अब वो सब्सटीट्यूशन नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया इस फॉर्मूले के फॉर्म में लाना है। टैन इनवर्स जो है इसका टैन इनवर्स करोगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग टैन इनवर्स 5x प्लस टैन इनवर्स 3x ये आ जाएगा। अब ये जो है इसका डेरिवेटिव निकालो। यहाँ पर और एक फॉर्मूला जो आपको बहुत काम आएगा, टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव। टैन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपने याद ही किया 1/1 + x² होता है। इसमें सिर्फ एक बात याद रखना है कंपोजिट फंक्शन का, अगर x के बदले कुछ और हो x की जगह तो उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं अब इसका कैसे करेंगे। सो आप लिखते हो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इस तरह से, फिर ये हो जाएगा dy/dx टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², बट x क्या है 5x उसका स्क्वायर इंटू, फिर x के बदले 5x था उसका वापस डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5 उससे मल्टीप्लाई कर दिया, देन प्लस फिर वापस से टैन इनवर्स है तो 1/1 + x², बट x के बदले तो 3x था उसका स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, देन dy/dx क्या आ गया देखो 5 × 1 = 5/1 + 5² 25 एंड x स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर ये आया 3 × 1 = 3/1 + 3² 9x². सो ये आ गया डेरिवेटिव। इस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 10 में सारे के सारे क्वेश्चंस को यही फॉर्मूला अप्लाई करना, और जब भी टैन इनवर्स है हमेशा यही, तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन नंबर 10 में सारे क्वेश्चन कर लोगे। सिर्फ एक ही जगह आप अटकोगे, कहाँ पर, ऐसा दो नंबर लेना है जिसको प्लस करने पर ये आए और मल्टीप्लाई करने पर ये आए। बहुत सी जगह पर तो घुमा के दिया होगा, तो हम उसको इस फॉर्म में लाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे के क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। अब 10th में सेकेंड वाला ये भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ जो मैंने फॉर्मूले बताए वो टैन इनवर्स वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें कॉट इनवर्स ही है। तो बिल्कुल याद रखो हमेशा सिर्फ साइन कॉस और टैन इन तीनों का इनवर्स होना चाहिए। कॉट सेक और कोसेक है तो उसको बदल दो, जैसे कॉट इनवर्स है तो इसको टैन में बदल दो। बट कैसे बदलोगे, कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स ऐसे बदल दो, बट ये कॉट को टैन किया तो इसको रेसिप्रोकल करो, जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर है वो यहाँ आ जाएगा। हमेशा ये याद रखो ट्रिक। ओके, अब वही करना है जो फर्स्ट में किए थे, ऐसा दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आता है और प्लस करने पर तो 2 आएगा नहीं, माइनस करने पर आए तो भी चलेगा। तो कैसे होगा देखो, 35 का देखो 35 के 2 फैक्टर 35 और 7 में से 5 गया तो 2 आता है ना, तो बिल्कुल उसी से करो। टैन इनवर्स क्या आएगा देखो, 2x है तो ये 7x - 5x दोनों को माइनस करके 2x आ रहा है, ठीक है, और ये 1 प्लस है तो 35x² को इन्हीं दोनों को यहाँ लिखना है, याद रखना 7x × 5x 7 × 5 = 35xx² सो ये बहुत ही आसान है, इस तरह से करना है। अब इसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सो y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 7x - टैन इनवर्स 5x
अब हो चुका है, अब यह डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा दो, पहले लिख दो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स है तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वन अपॉन टैन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट एक्स के बदले तो सेवन एक्स है तो सेवन एक्स स्क्वायर, फिर इंटू सेवन एक्स का डेरिवेटिव सेवन एक्स जो एक्स के बदले था माइनस। अब यहाँ पर देखो एक बात आपको याद रखनी थी, ये जो फॉर्मूला यहाँ ऊपर प्लस था नीचे माइनस, तो मैंने आंसर में प्लस लिया है ठीक है, ये जो है ना यहाँ ऊपर माइनस और नीचे प्लस है तो आंसर में यहाँ माइनस लेना जैसे मैंने लिया है, ये दो फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही मैंने बताया, सो माइनस। अब ये टेन इनवर्स है डेरिवेटिव लेंगे तो वन अपॉन इसका होगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के बदले फाइव एक्स है फाइव एक्स स्क्वायर, फिर फाइव एक्स का डेरिवेटिव फाइव, अब इसको लिख दो सेवन इंटू वन सेवन अपॉन वन प्लस सेवन स्क्वायर इज फोर्टी नाइन एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू फाइव फाइव अपॉन वन प्लस फाइव स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपको मिल चुका है फाइनल आंसर। देखा आपने बिल्कुल फर्स्ट वाले के जैसे था ना, खाली यहाँ पर पहला स्टेप हमें चेंज करना था क्वाड इनवर्स को टेन इनवर्स, इसके बाद वही है जैसे आप टेंथ में करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे दो नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर तो बीच वाला आना चाहिए, बिल्कुल वही है, ऐसा दो नंबर लो जिसका मल्टीप्लाई करने पर ये है और दोनों को प्लस माइनस करने पर ये है, तो ये करना और ये दोनों फॉर्मूले से हम करेंगे। अभी और भी कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आपको खुद करना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो अलग अलग क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। टेंथ का जो थर्ड है इसका हिंट देता हूँ, आप खुद से करना। देखो यहाँ पर हमें दो नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करने पर, अब यहाँ नीचे प्लस है ना तो माइनस करने पर आएगा, देखो फॉर्मूले में नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस होता है, नीचे प्लस हुआ तो ऊपर माइनस, ओके तो यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, यानी ऐसा दो नंबर लेना जिसको मल्टीप्लाई करने पर थ्री एक्स आता है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पर टू रूट एक्स आएगा, तो कैसे होगा देखो थ्री रूट एक्स इंटू वन रूट एक्स, ऐसे दो फैक्टर होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो थ्री वन जा थ्री रूट एक्स और रूट एक्स मिलके एक्स, और माइनस करोगे तो थ्री रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स टू रूट एक्स आएगा, तो ये जो क्वेश्चन है ये कन्वर्ट हो गया टैन इनवर्स, ये हो गया थ्री रूट एक्स माइनस वन रूट एक्स, वन नहीं लिखे तो भी चलेगा, वन प्लस ये थ्री एक्स को ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दो थ्री रूट एक्स इंटू वन रूट एक्स, वन नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो ये हो गया। आगे क्या करोगे सेम ऐसे फॉर्मूला टैन इनवर्स, तो टैन इनवर्स थ्री रूट एक्स माइनस टैन इनवर्स वन रूट एक्स, या तो वन नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ठीक है, उसके बाद जो है स्टेप से ऐसे करो टैन इनवर्स एक्स का ये डेरिवेटिव यूज़ करना, ये खुद से करो आपको बहुत अच्छा लगेगा आप जब खुद कर पाएंगे तो। चलो मैं आगे दिखाता हूँ फोर्थ वाला। अब टेंथ में फोर्थ वाला देखो इसमें कैसे करना है, देखो वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स सेम वैसे ही है, यहाँ पर देखो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हम लोग टू रेस टू एक्स और ये हो जाएगा टू रेस टू टू, क्योंकि पावर प्लस है ना तो इस तरह से आप कर सकते हो, वन माइनस थ्री ये फोर रेस टू एक्स को आप कर सकते हो टू रेस टू एक्स का स्क्वायर, फोर क्या होता है टू स्क्वायर, तो स्क्वायर को पूरा ऊपर लिया। अब हमें ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिसमें क्या होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर यह है और प्लस करने पर यह है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, टैन इनवर्स टू स्क्वायर क्या होता है फोर इंटू टू रेस टू एक्स और वन माइनस ये क्या हो गया थ्री टू रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। अब ऐसा दो नंबर लाओ जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आए और प्लस माइनस करने पर ये आए, तो देखो मिल जाएगा फोर इंटू टू रेस टू एक्स है तो इसको मैं करता हूँ थ्री इंटू टू रेस टू एक्स और वन इंटू टू रेस टू एक्स, ओके वन इंटू टू रेस टू एक्स दोनों को प्लस करो क्या आता है थ्री टाइम्स टू रेस टू एक्स एंड वन टाइम टू रेस टू एक्स मिलकर फोर टाइम टू रेस टू एक्स आ जाएगा, ये आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे थ्री वन जा थ्री टू रेस टू एक्स और टू रेस टू एक्स मिलकर टू रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। आगे क्या करोगे बिल्कुल ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, थोड़ा चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको ये, सो ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स फर्स्ट जो पहले तो इसको आप चेंज करो फॉर्मेट में थ्री इंटू टू रेस टू एक्स प्लस वन इंटू टू रेस टू एक्स इस फॉर्मेट में चेंज करो, ये जो था इसको भी करो थ्री इंटू टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू एक्स है ना, ये स्क्वायर था ऐसे हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करो कौन सा ये वाला टैन इनवर्स फर्स्ट टर्म क्या देखो थ्री इंटू टू रेस टू एक्स ये है इस तरह से, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर टैन इनवर्स यहाँ क्या है देखो टू रेस टू एक्स, अब डिफ्रेंशिएट करो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये वाला जो फॉर्मूला है यूज़ करना, कैसे आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स है तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो पूरा है उसका स्क्वायर थ्री टू रेस टू एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरीवेटिव, ठीक है थ्री इंटू टू रेस टू एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट करता हूँ मैं, थ्री साथ में लगा हुआ है तो थ्री ऐसे रहेगा, टू रेस टू एक्स मतलब ए रेस टू एक्स टाइप है,
इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एरेस्ट टू एक्स लॉग ए, याद रखना ये। तो टू रेस्ट टू एक्स का डेरिवेटिव टू रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग टू, प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स वापस से है, इसका हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या है देखो, ये टू रेस्ट टू एक्स द होल स्क्वायर, देन टू रेस्ट टू एक्स का वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करो टू रेस्ट टू एक्स इंटू लॉग टू, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये जो है वन। अच्छा यहाँ देखो टू रेस्ट टू एक्स लॉग टू दोनों तरफ है, उसको कॉमन ले लो पहले, टू रेस्ट टू एक्स और लॉग टू कॉमन आ गया, फिर ब्रैकेट ये वन इंटू थ्री, यहाँ पर थ्री बच गया अपॉन, ये है वन प्लस, देखो ये स्क्वायर है, ये थ्री का भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, थ्री स्क्वायर हो जाएगा नाइन, टू रेस्ट टू एक्स स्क्वायर, तो टू रेस्ट टू एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होकर टू एक्स हो जाएगा, या तो आप इसको फोर एक्स भी लिखोगे, फोर रेस्ट टू एक्स लिखोगे तो भी चलेगा, फिर प्लस यहाँ से टू रेस्ट टू एक्स लॉग टू कॉमन आया था तो बचा है वन, वन अपॉन वन प्लस, ये हो जाएगा टू रेस्ट टू टू, टू और एक्स मल्टीप्लाई होकर टू रेस्ट टू टू एक्स हो गया, इस तरह से ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये जैसा है ऐसे लिखो, ये फाइनल आंसर हो गया। यहाँ पर ये जो टू रेस्ट टू टू है, जैसे यहाँ पर हमने किया था ना टू रेस्ट टू टू, ये टू फोर रेस्ट टू एक्स, तो इसको आप फोर रेस्ट टू एक्स करोगे तो भी चलेगा, ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर टेंथ में फोर था, आपने देखा जो बहुत ही ईजी था, जो अभी तक वन टू थ्री फोर सम देखे बिल्कुल सेम थे, आगे भी सब सारे सेम है, सिर्फ पहले ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस होगा तो यहाँ प्लस, और न्यूमरेटर में माइनस और यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस होगा तो यहाँ माइनस, और इसके बाद ये फॉर्मूला यूज करने के बाद ये दोनों जो आंसर आते हैं उसका इस डेरिवेटिव फॉर्मूला से डेरिवेटिव लेना है, और अगर एक्स के बदले दूसरा कुछ है तो कंपोजिट फंक्शन चेन रूल से आप उसका अगेन डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो बस इतना ही करना है, टेंथ वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान है अगर आपको ये दोनों फॉर्मूले याद है तो। चलो देखते हैं आगे के भी कुछ क्वेश्चन, अभी आगे के जो क्वेश्चन है उसमें क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पर मॉडिफाई करना है, जैसे यहाँ पर देखो डायरेक्ट ऐसे दो नंबर नहीं मिल रहा था जिसको प्लस करने पर ये आ रहा है न्यूमरेटर या मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है, तो हमें ढूंढना पड़ रहा था, बस यही एक है ट्रिक कि आपको ढूंढना है, स्क्रीनशॉट ले लो, अगला देखते हैं। अब टेंथ में फिफ्थ भी देख लो बिल्कुल फोर्थ के जैसा ही है, थोड़ा किस तरह से कन्वर्ट करना है सिर्फ वो बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग करेंगे टैन इनवर्स टू रेस टू एक्स वन प्लस, ये जो है ये हो जाएगा टू रेस टू टू एक्स है ना, यहाँ पर टू रेस टू टू एक्स और इन टू टू रेस टू वन, इस तरह से आप स्प्लिट कर सकते हो इसको। फिर अगले स्टेप में हो जाएगा वाई टैन इनवर्स और ये टू रेस टू एक्स यहाँ पर है वन प्लस, इसको भी हम कर सकते हैं टू रेस टू वन, पहले लिखो टू और टू रेस टू एक्स का स्क्वायर कर दो, ये जो टू था ना वो पार में चला गया। अब ऐसा दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहा है और प्लस माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस करने पर आना चाहिए ये, है ना, यहाँ नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, तो कौन है देखो यही नंबर यहाँ से लिखेगा, देखो टू इंटू टू रेस टू एक्स, ये इसमें वन टाइम टू रेस टू एक्स का मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा टू वन ज़ा टू और टू रेस टू एक्स इंटू टू रेस टू एक्स, टू रेस टू एक्स द होल स्क्वायर। फिर अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो टू रेस टू एक्स से देखो टू माइनस वन, टू माइनस वन वन टाइम टू रेस टू एक्स, ठीक है, तो यही दो नंबर मिल गए। यहाँ से चेंज कर दो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्या चेंज करोगे टू रेस टू एक्स को, यहाँ पर ये दोनों लिखो टू टाइम्स टू रेस टू एक्स माइनस वन टाइम टू रेस टू एक्स अपॉन ये जो था वन प्लस, इसको हटा के इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो टू टाइम टू रेस टू एक्स इंटू वन टाइम टू रेस टू एक्स, वन नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। अब आ गया है देखो ये a माइनस बी वन प्लस ए इंटू बी, बिल्कुल यही फॉर्मूला है, या a माइनस बी वन प्लस ए टू बी, अब यहाँ ऊपर माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस ले लेना है बस, ठीक है। इसके बाद आप खुद से करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा लगेगा आप जब खुद से करके आंसर सेम लाओगे तो, ठीक है। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ में सिक्स वाला देखो, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ मैं मॉडिफाई करके देता हूँ। कॉट इनवर्स आ गया, अरे बापरे कॉट इनवर्स आया क्या करेंगे, तो मैंने जैसे बताया हमेशा साइन कॉस टैन में रखना चाहिए, तो अब इस क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो टैन इनवर्स ही चाहिए, तो आप सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा कि कॉट इनवर्स को आप टैन इनवर्स करते हो, और जब भी आप कॉट इनवर्स को टैन इनवर्स करते हो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। लेकिन अब देखो जो फॉर्मूला था उसमें यहाँ हमेशा 1 आना चाहिए, ये 1 आना चाहिए, तो यहाँ तो ए स्क्वायर है, ये 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करोगे ए स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, तो इसको करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ए स्क्वायर। इसके बाद ये हो जाएगा y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, देखो इसको डिवाइड करो ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन, और ये हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको करोगे 5ax को ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये 5x अपॉन ए आ जाएगा, इस तरह से।
अब ऐसा दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता है, और प्लस या माइनस है तो प्लस करने पर आएगा। ओके देखना, ये माइनस है, अब ये प्लस करने पर आएगा, तो क्या आएगा देखो, ये 6 टाइम्स 6 एक्स अपॉन ए, और ये कैसे प्लस करने पर आना चाहिए ना, तो यहाँ पर हम लेंगे 3 टाइम्स एक्स अपॉन ए और 2 टाइम्स एक्स अपॉन ए, ये लेते हैं। इससे क्या होगा देखो, 3 टू ज़ा 6 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर है, दोनों को प्लस करोगे तो 3 प्लस 5 टू 5 आ जाएगा, 3 प्लस 2 5 और एक्स अपॉन ए, देखो आ गया ना। अब मैं सिर्फ इसको चेंज करके देता हूँ, आप खुद से करना, टैन इनवर्स ये जो है ये हो जाएगा 3 एक्स अपॉन ए प्लस 2 टाइम्स एक्स अपॉन ए अपॉन 1 माइनस, इसकी जगह पर ये लिखो दोनों का मल्टीप्लाई करके, एक्स अपॉन ए इंटू 2 टाइम्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। अब ये फार्मूला बन गया, क्या फार्मूला बना, चलो ये भी कर देता हूँ, टैन इनवर्स फर्स्ट टर्म यानी 3 एक्स अपॉन ए आ गया, प्लस टैन इनवर्स बी टर्म यानी 2 एक्स अपॉन ए, और इसका डायरेक्ट अब खाली डेरिवेटिव ही लेना रह गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू टैन इनवर्स होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 3 एक्स अपॉन ए द होल स्क्वायर, फिर क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स के साथ क्या है देखो 3 अपॉन ए, तो 3 अपॉन ए आ जाएगा, फिर इसका 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर 2 एक्स अपॉन ए द होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 एक्स अपॉन ए का, एक्स के साथ क्या है 2 अपॉन ए, सो 2 अपॉन ए का आप मल्टीप्लाई करोगे। अब फाइनल स्टेप लिख दो इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या यहाँ पर है 3 अपॉन ए, ओके 3 अपॉन ए तो 3 इंटू 1 3 अपॉन ये जो ए है नीचे ले लो ए, फिर यहाँ आ गया 1 प्लस 3 एक्स अपॉन ए द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यह आया प्लस यहाँ पर भी देखो ये 2 इंटू 1 2 अपॉन ए, 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये आंसर जो है इसको और भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, कैसे कर सकते हो देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स जितना भी सिंपल हो ना उतना सिंपल करना चाहिए, 3 अपॉन ए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ओके क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 अपॉन ए, तो ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो इस ए से ए के कैंसिल, ए से ए के कैंसिल, ओके अब फाइनल स्टेप लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स ये जो ए है ये ऊपर जाके 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा उल्टा होके, और यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, फिर ये ए है 2 में जाके मल्टीप्लाई हुआ 2 ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर, तो आप यहाँ तक करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो और अच्छी बात है, ये है फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन नंबर 10, आप देख रहे हो सारे के सारे क्वेश्चन सिमिलर है, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको, सिर्फ दो ही फॉर्मूले और कोई फॉर्मूले नहीं है, सिर्फ यहाँ लॉजिक है कि किस तरह से प्लस करने पर ये आएगा और मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, ठीक है। और भी जो बचे हुए 3 क्वेश्चन और हैं 9 तक है वो भी देख लेते हैं। 10th में 7th वाला क्वेश्चन बिल्कुल अलग दिख रहा है, ऐसे लग रहा होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ए प्लस बी टैन एक्स अपॉन बी माइनस ए टैन एक्स, तो हमेशा की तरह याद रखो यहाँ जो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यहाँ 1 आना चाहिए, तो यहाँ 1 कब आएगा जब हम इस b है b को b से डिवाइड करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में किया था वैसे, तो यहाँ b से डिवाइड करते डिवाइड न्यूमरेटर, लेकिन न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा एंड डिनोमेटर बाय b, इस b से डिवाइड करते तो क्या आ जाएगा हमारा ये जो y है फंक्शन, b से डिवाइड करो, इसको b से किया तो 1 आ गया और ये आ गया a अपॉन b इंटू टेन एक्स, अच्छा इसको भी b से डिवाइड करोगे तो a अपॉन b आ गया ये, और यहाँ इसको b से डिवाइड करेंगे b भी कैंसिल हो जाएगा प्लस है tan x आ जाएगा सिर्फ, तो अब देखो क्या जो हमें चाहिए था वो आया, यहाँ 1 चाहिए था आ गया, यहाँ a और b है, तो देखो इसको अगर हम a कंसिडर करते और इसको b a इंटू बी, और यही दोनों देखो यहाँ प्लस में है a अपॉन b प्लस tan x है ना, यहाँ दोनों जो प्रोडक्ट है वही दोनों ऊपर प्लस में होना चाहिए था, तो वही तो है a अपॉन b प्लस टेन एक्स और इन्हीं दोनों का यह प्रोडक्ट है, तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आ चुका है यहाँ पर, तो आप कैसे करोगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फिर dy वाई बाई अरे नहीं पहले डिफरेंशिएट नहीं करोगे, पहले तो फार्मूला अप्लाई करोगे, तो y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स आगे गया, सो tan इनवर्स ऑफ फर्स्ट टर्म a अपॉन b प्लस tan इनवर्स ऑफ tan x, और ये तो और सॉल्व होगा, tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे x आ जाएगा, सो और सिंप्लीफाई करो, अभी डेरिवेटिव मत लो जब तक सिंप्लीफाई ना हो,
ये tan इनवर्स ऑफ tan कैंसिल आउट, x आ गया, कैंसिल करके दिखाना मत, कैंसिल नहीं होता वो फंक्शन होता है, समझना है आपको सिर्फ। अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो tan इनवर्स है, tan इनवर्स यहाँ a अपॉन b है, इसमें कोई भी x है क्या, x नहीं है ना, तो ये पूरा कॉन्स्टेंट है, इसका डेरीवेटिव जीरो, और ये जो x है x का डेरीवेटिव वन, सो यू गॉट द वैल्यू dy बाई डी एक्स इक्वल टू वन। तो इस तरह से आपका जो आंसर आ चुका है, सेवन्थ क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट था बहुत इजी। तो यही बात होती है कि आपको सिर्फ ये जानना जरूरी है कि इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, अगर मुझे यहाँ बी से डिवाइड करना है तो क्यों करना है, तो ये सिर्फ आपको जानना है, उसके बाद तो ये दोनों फॉर्मूले आपको हेल्प करेंगे, पूरा आंसर ला के देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अब लास्ट के दो क्वेश्चन हैं, 8th और 9th, दोनों सिमिलर है, मैं 8th वाला अच्छे से बताता हूँ, 9th का आपको हिंट दूंगा, ध्यान से देखना। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन ये, अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है, कैसे किया जाए, अगर मुझे इस तरीके से करना है 10th वाले को इस फॉर्मेट से, तो जैसे कि आपको मालूम है यहाँ 1 होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ नीचे माइनस होगा तो ऊपर प्लस होता है, और अगर यहाँ ऊपर माइनस हुआ तो नीचे प्लस लेना पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, यहाँ क्या करते हैं, ये 5 माइनस एक्स है, इसको ऐसे ही रखो, ये जो है ना यहाँ पर 1 प्लस करो, 1 लाओ खुद से ले लो, और यहाँ क्या दिया है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, यहाँ खुद से 1 लिया ना अरेंज करने के लिए, ये 1 लाने के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस किया ना, तो यहाँ माइनस 1 करना पड़ेगा, क्यों, एडजस्ट करने के लिए ना, 1 माइनस 1 जो खुद से 1 आया था वो 1 माइनस 1 0 हो गया, तो जो क्वेश्चन था उसमें कोई चेंज नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर। अब इसके बाद देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, इसको आप फैक्टराइज़ कर दो, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, फैक्टराइज़ करोगे तो कैसे करोगे, 6 का मल्टीप्लाई 4 में करो, 6 4 जा 24, ऐसे दो नंबर लो जिसको माइनस करने पर 5 आता है, तो 8 3 जा 24 होता है, 8 में से 3 गया 5, बीच वाला माइनस है, बड़ा नंबर माइनस प्लस, तो ये 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4 ही आया, तो यहाँ से कॉमन लिया 2x, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4, सो 3x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 1, देखो ये दो फैक्टर आ गए इसके, सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 प्लस, यहाँ पर क्या करूँ, इसके दो फैक्टर है 3x माइनस 4 और 2x प्लस 1 अपॉन के नीचे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आता है, बिकॉज ये दोनों उनके फैक्टर है, लेकिन 5 माइनस एक्स, इन दोनों यहाँ प्लस है ना, तो इन दोनों को माइनस करके क्या ये आता है, देखो अगर इन दोनों को माइनस करते, समझो ये हटा दो, तो 3x माइनस 2x 1x माइनस 4 और माइनस 1 माइनस 5, या तो क्या आना चाहिए था, ये कैसे आ गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, 3x माइनस 4 से इसको माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो एक काम करो इसमें से माइनस करो, 2x प्लस 1 दिस माइनस 3x प्लस 4 करो, तो क्या आएगा, देखो 2x माइनस 3x माइनस x, 1 माइनस 4, तो यहाँ प्लस 1 और माइनस 4, ये माइनस 4 है, 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो प्लस 5 आया, यानी ये आ गया, देखो 5 माइनस एक्स आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस मत करो, इसमें से ये माइनस करो, 2x प्लस 1 माइनस 3x माइनस 4, अब देखो यहाँ पर 1 प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई है और इन्हीं दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ फर्स्ट 2x प्लस 1 देन माइनस टेन इनवर्स ऑफ दिस टेन इनवर्स 3x माइनस 4 आ गया। अब डिफरेंशिएट कर दो हर बार की तरह, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस ये जो x है उसका स्क्वायर 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर, देन क्या करना है, इसका ही डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव ओनली 2, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस इसका क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस दिस स्क्वायर 3x माइनस 4 द होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3 और माइनस 4 का तो 0 हो जाएगा। चलो ये तो रफ वर्क था सब, अब इसको फाइनल स्टेप करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू ओके क्या आएगा, देखो 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2x प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 द होल स्क्वायर। इसको और भी सिंप्लीफाई करना है तो कर सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी द होल स्क्वायर करना ओके और बाद में 1 के साथ प्लस कर देना, तो ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10th का
एट्थ वाला सम, इसमें इस तरह से अगर कुछ होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो उसको फैक्टराइज करके दो फैक्टर निकाल लो, और वही दो फैक्टर आपको ऊपर न्यूमरेटर भी दे देंगे। बिल्कुल ऐसा ही टेंथ में नाइन्थ वाला भी क्वेश्चन है, उसका मैं हिंट देता हूँ आपको, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन में क्या चेंज। और ये रहा 1.2 का आखिरी क्वेश्चन टेंथ में नाइन्थ वाला, जो फिनिश कर देगा एक्सरसाइज 1.2, बिल्कुल सेम एट्थ के जैसा है। मैं हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, हमेशा की तरह जैसे कॉट इनवर्स है तो उसको पहले टैन इनवर्स करना पड़ेगा, और ये जो है रेसिप्रोकल कर दो, जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 4 - x - 2x². अब जैसे एट्थ में किए थे बिल्कुल वैसे ही करो, यहाँ पर देखो 1 लाना है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, y = tan inverse / यहाँ 1 लाएंगे, 1। अब देखो ऊपर प्लस है तो माइनस लाना पड़ेगा, ध्यान से देखो ये प्लस है ना तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तो क्या करो ये जो है ना इसको माइनस कॉमन ले लो, तो ये -2x² हो गया 2x², -x हो गया +x, और ये 4 हो गया -4। अब देखो यहाँ पर मैंने 1 प्लस किया है, ये प्लस है, 1 माइनस नहीं, 1 प्लस किया है, तो समझने के लिए देखो हाँ ध्यान से, यहाँ 1 प्लस किया है तो यहाँ -1 करना पड़ेगा, क्या किया मैंने, यहाँ 1 प्लस किया है तो यहाँ -1 कर दिया मैंने, ठीक है। न्यूमरेटर जो है वैसे ही रखो 3x + 2। आगे क्या होगा, और सिंप्लीफाई करते हैं, y = tan inverse, ये 3x + 2 है, 1 माइनस, ये देखो माइनस है, अगर ये -1 इस ब्रैकेट के अंदर गया तो अंदर ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो जाएगा 2x² + x, ये -1 अंदर गया तो -1 + 1 हो जाएगा, ठीक है, -4 + 1 तो -3 हो गया, क्योंकि ये -1 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये निगेटिव है ना, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया। अब इसके फैक्टर निकालो, 2x² + x - 3, 2 × 3 = 6 आना चाहिए और 1 आना चाहिए, तो 3x देखो 6 आना चाहिए, 2 × 3 = 6, तो क्या आ गया 3 × 2 = 6, 3 में से 2 गया 1, बड़ा वाला नंबर प्लस और ये माइनस, तो ये आ गया 2x² + 3x - 2x - 3, ये बीच वाला चेंज किया टेंथ के जैसा कर रहे हो आप, x = 2x + 3 - 1 = 2x + 3, तो दो फैक्टर आ गए हमारे, देखो y = tan inverse, ये नीचे पहले लिखते हैं डिनोमीटर में, ये जो है ना ये क्या है 2x + 3 and x - 1, 2x + 3 और x - 1, ये फैक्टर है, ऊपर भी उन दोनों को ही लिख दो 2x + 3 और x - 1, बट यहाँ देखो माइनस है ना तो यहाँ प्लस करना, ठीक है, यहाँ माइनस है तो प्लस करना, कैसे आएगा देखो 2x + 1x, 3x और 3 - 1 = 2, देख रहे हो आ गया ना ये ऐसे 2x + 1x 3x और 3 - 1 = 2 आ गया, जो चाहिए था वो आ गया। अब क्या करोगे, बिल्कुल ये फॉर्मूला आ गया, a और b की जगह पर a और b ये आ गए, 1 - a * b आ गया। अब जैसे 8th किया था वैसे ही करो, tan inverse ऑफ दिस आएगा प्लस tan inverse ऑफ दिस, फिर डिफ्रेंशिएट करना आंसर आ जाएगा, सिर्फ 2-3 स्टेप बचे, वो आप खुद से करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इस तरह से स्टूडेंट ये अब पूरा फिनिश हो गया है एक्सरसाइज 1.2, बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन का। 1.1 और 1.2 फिनिश होने के बाद इस चैप्टर में और 3 एक्सरसाइज है, 1.3, 4, 5, और 1.1 और 1.2 मिलके इस पूरे चैप्टर का 50% कवर करता है, वो हमने कर लिया है डिफरेंशिएशन। अब 3 एक्सरसाइज है जो और इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है और सिंपल है, वो फटाफट हो जाएंगे, यही दो जो थोड़े हैवी थे वो हो चुका है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर सब समझ में आती हैं चीज़ें तो कमेंट भी ज़रूर किया करो, पता चले कि आपकी क्या राय है, आपके कुछ सजेशन देना हो तो आप सजेशन भी दे सकते हो कमेंट के जरिए, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, सबको बताओ कि मैथ्स की लर्निंग शुरू है दिनेश सरीस चैनल पर। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।